हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो ब्रेकअप के बाद यूजुअली हम सब करते ही हैं और जिन काम को हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हम ये बात मान ही नहीं पाते कि हमारा रिश्ता टूट चुका है और वो इंसान हमारे लाइफ से जा चुका है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लाइफ में वापस आएगा और हम उनका वेट करते रहते हैं। दूसरा, हम उनको इमोशनल कॉर्नर से हम ब्लॉक नहीं कर पाते, उनको सोशल मीडिया अकाउंट में या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से, और उनका टेक्स्ट का या कॉल का या सोशल मीडिया पे उनके कोई भी अपडेट का वेट करते रहते हैं। हम किसी दोस्त को बोलते हैं उनके अपडेट्स लेने के लिए और हमें पास ऑन करने के लिए, या फिर हम अपना ही कोई फेक अकाउंट बना के उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहते हैं, लगातार कॉल करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं ताकि वो कन्विंस हो जाए, हमारा बात मान जाए और हमारी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। हमारी गैलरीज में हम उनकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं और अपनी पुरानी यादों को दोहराते रहते हैं और मिस करते रहते हैं कि काश वो फिर से वापस आ जाए। तो ये थी कुछ बातें जो हम लोग को ब्रेकअप के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही पर्सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। जब आप खुद खुश रहोगे, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, तभी दूसरे आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखो और इन बातों को दोहराना बंद करो। और अगर इस टॉपिक पे आपको दूसरी पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू गाइज़।